हरियाणा विधानसभा चुनाव के दंगल में ताल ठोकने के लिए कई प्रत्याशी लाखों करोड़ों का पैकेज और अपनी नौकरी से ब्रेक लेकर मैदान में उतरे हैं। इसमें डॉक्टर से लेकर लेक्चरर, खिलाड़ी शामिल हैं। अपनी खास रिपोर्ट में आज हम ऐसे ही प्रत्याशियों के बारे में आपको बताएंगे। युवा से लेकर नौकरी पेशा लोगों को पॉलिटिक्स का पावर चाहिए। ये सत्ता का ही चस्का है कि लाखों करोड़ों की नौकरी छोड़कर गली गली घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है नौक्षम चौधरी का। नौक्षम चौधरी पुनहाना से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उम्र है 26 साल। विधायक बनने के लिए लंदन में पीआर के 1 करोड़ की नौकरी छोड़कर भारत आ गई। नौक्षम हरियाणा के सबसे पिछड़े जिले मेवात के पुनहाना से चुनाव लड़ रही हैं। मिरांडा हाउस कॉलेज में छात्र संघ नेता रही नौक्षम ने अगस्त में बीजेपी की सदस्यता ली थी। नौक्षम चौधरी का कहना है कि वो अपने जिले को विकसित देखना चाहती हैं और इसलिए वो देश लौटी। उनके पिता रिटायर्ड जज और माँ बड़ी अधिकारी है। अरुण बिस्ला बल्लभगढ़ से बीएसपी के उम्मीदवार, उम्र 28 साल। आईटी इंजीनियर अरुण बिस्ला क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने, शिक्षा, अपराध नियंत्रण और स्वच्छता में सुधार लाने के वादे को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। अरुण बिस्ला लाखों रुपए की पेटीएम में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर आए हैं। अरुण आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं। अपनी दादा की विरासत को आगे बढ़ाने राजनीति में आए। उनके दादा चौधरी सुमेर सिंह विधायक रहे हैं। अरुण के पिता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। डॉक्टर राकेश झज्जर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उम्र है 49 साल। डॉक्टर राकेश कुमार बीआरएस लेकर राजनीति में उतरे हैं। 2 महीने पहले डिप्टी सीएमओ का पद छोड़कर संघ से जुड़ गए और चुनाव लड़ने का मौका भी मिल गया। डॉक्टर राकेश कुमार ने पिछली बार भी चुनाव लड़ने की कोशिश की थी लेकिन वीआरएस नहीं मिलने की वजह से मैदान में नहीं उतर पाए। इस बार वो मौजूदा कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। संतोष धैया लाडवा से जेजेपी के उम्मीदवार, उम्र 53 साल। डॉक्टर संतोष धैया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। संतोष लीव लेकर चुनावी मैदान में कूदी हैं। 2014 में बेरी से एनएलडी की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। खा पंचायत से जुड़ी संतोष वॉलीबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। उन्होंने 1991 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नौकरी ज्वाइन की थी। वो लाडवा सीट से जेजेपी के उम्मीदवार हैं। योगेश्वर दत्त बड़ौदा से बीजेपी के उम्मीदवार और उम्र 36 साल। ओलंपिक पदक विजेता और पहलवान योगेश्वर दत्त पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति के अखाड़े में उतरे हैं। डीएसपी की नौकरी छोड़कर 26 सितंबर को वो बीजेपी में शामिल हुए थे। 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज, 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। वो पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। बड़ौदा सीट से बीजेपी के इस बार उम्मीदवार हैं। बबीता फोगाट चरखी दादरी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उम्र 29 साल। हरियाणा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले जेजेपी छोड़कर बबीता फोगाट बीजेपी में शामिल हुई। सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर रेसलर बबीता फोगाट चुनावी दंगल में उतर चुकी हैं। बबीता फोगाट 2016 कॉमनवेल्थ गेम्स में 55 किलोग्राम वर्ग के फ्रीस्टाइल कुश्ती में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। महावीर फोगाट और फोगाट सिस्टर्स की लाइफ को लेकर फिल्म दंगल बन चुकी है। इसमें आमिर खान ने एक्टिंग भी की और वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। संदीप सिंह पिहोआ से बीजेपी के उम्मीदवार, उम्र 33 साल। संदीप सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। ट्रैक फ्लिकर संदीप सिंह को पेनल्टी कॉर्नर के एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता है। फ्लिकर सिंह के नाम से भी वो मशहूर हैं। अपनी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम को 13 साल बाद 2009 में सुल्तान अजान शाह कप जितवाया था। हॉकी में अहम योगदान के लिए 2010 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। संदीप हरियाणा पुलिस विभाग में डीएसपी रैंक पर कार्यरत थे। पद से इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
बीजेपी ने उन्हें पेहुआ सीट से कैंडिडेट बनाया है। संदीप सिंह के जीवन पर फिल्म सूरमा बन चुकी है। फिल्म में संदीप सिंह का किरदार जाने माने पंजाबी सिंगर और एक्टर दलजीत दोसांझ ने निभाया है। अपने अपने क्षेत्र के माहिर ये लोग चुनावी मैदान में अपनी अपनी पार्टी का परचम बुलंद करते हैं या नहीं, उनकी लोकप्रियता वोटों में कितना बदलती है, ये तो नतीजे ही तय करेंगे। फिलहाल ये सभी पूरे जी जान से चुनाव के रण में डटे हुए हैं। R9 TV के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।